ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ 12:35 ਹੋਇਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ 12:35 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਖਾਨ ਲੱਗਦੀ ਓਏ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर है। ये जो दी बेस्ट था ना मानिका कावर मानिका के इंटरव्यू के ऊपर, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर फिट बैठता जो उसने कहा, जो उसके बकौल है। तो मैंने कहा चलो हम भी हमने इंजॉय किया, आपको भी करवा दें। तो हमारा जो स्पेशल एपिसोड है आज जुमे वाले दिन एक किताब आ रही है उसके, ये वाली इस बच्ची की किताब आ रही है, आप ये देख लें। और इसके और भी आपको फोटो दिखा देते हैं, दो फोटो आपको दिखाई जाएंगी जिस पे ये जो है ना, एक ये फ़ोटो भी इसी की है। अच्छा जी एक और दिखा देते हैं, ये फ़ोटो भी इसी की है। इसका नाम था जनाब अली हाजरा यास्मीन खान, ये पशीन की रहने वाली कोयटे की। जब वहाँ पे अखीर पे उस बंदे का नाम बताएंगे जो ये अब भी करवा रहा है ना, थोड़ा कुत्ते थले कर लिए तो लोग कहते यार अपना वो तो देख लिया कर, फ्रेम श्रेम तो देख लिया कर। मैं क्या तू मेरी गल्ला सुनिया ना मेरे मैनू आओ। अच्छा जी फिर वो वहाँ पे एक कर्नल साहब थे, उन्होंने ये नई नई उभरी थी, ये बनना चाह रही थी, कुछ बैकवर्ड इलाके से आई, कोयटे में यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ से स्टूडेंट वीज़े पे चले गई आयरलैंड। हाँ जी नहीं मज़ा आ रहा, आएगा। उस जो कर्नल साहब थे है के गोरे चिट्टे थे, मुझे छड़ियाँ वाह वाह सोनियाँ, उन्होंने वहाँ तक भी उसका पीछा किया। वो हमारे डिफेंस के एक डिपार्टमेंट में थे, आजकल किसी और में है, वो भी डिफेंस का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लेकिन ये राइट हैंड वाले में थे। उनका चल पड़ा चो, उन्होंने फिर ला के तो इंस्टॉल कर दिया 2018 में, जो उस वक्त वजीर आजम थे उनके घर बांट दिया इसको, चल भी आते थी खबर मैंने दसिया कर वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने ही पैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वालों से लेके, इस बंदे ने जो कर्नल साहब थे इन्होंने ब्राह्म दाग बूटी से मंथली लेता था, आए ना मैं लेके चलता हूँ, आ जाओ ब्राह्म दाग बूटी इधर स्विट्जरलैंड ही रहता ना, आए मुझे पकड़े कर्नल जुवेद साहब आपके लिए भी आओ आओ चलो रल के चलेंगे स्विट्जरलैंड, पर आपको बताते कि कौन कौन वहां से कौन कौन ऑफिशियल्स खर्चा उससे लेता था। वो कौन सा था डोमिंगो ते पीजे एमी तो नहीं बन जाते आसम बाजवा। अच्छा जी फिर क्या था, इसने वहां से खबरें लानी शुरू कर दी, क्योंकि एक प्लान था, एक प्लान के मोडे पे बैठा के उसको उस वजीर आजम को लाए थे, दुनिया जान का गंद कचरा जो दल्ले दलाल थे इकट्ठे करके उसको दे दिए गए। अच्छा जी ये बच्ची को भी उन्होंने फिल्म बनाई थी, पिंकी मेम साहब, पिंकी को मिलती जो थी जा के, मैं नहीं कह रहा ये उसको फिल्म बनाई, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बनाई थी, तो मैं फिल्म का पोस्टर आपको दिखाता हूँ, ये फिल्में अभी तो नहीं बन जाती ना, ये थी फिल्म, ये भी बीच में इसके पोस्टर, पिंकी मेम साहब MEMSAA साहब। अच्छा जी चलते रहे, हुमत लगने वाले थे, कर्नल साहब भी शौकीन थे वगैरह वगैरह, फिर औरों को बड़े अफसरों को भी देते थे। इसका नाम था हाजरा यास्मीन खान, हाजरा खान भी लिखते यास्मीन खान भी, फिर इन्होंने प्रोड्यूसर भी हो गया पाकिस्तानी, उसमें भी फोन कर करके वो करवाते रहे कर्नल साहब। इसकी किताब कल आनी थी लेकिन आज आ रही है, एक ही टॉपिक पे बात होगी, आज आ रही है, वो भी उस वक़्त के वजीर आजम के खिलाफ, वो रंगीला था तो चौथे फ्लोर पे था, तो वहाँ पे ये हुआ था, तो वहाँ पे लड़कियाँ कैद थी, तो वगैरह वगैरह, इसने उसमें रेहम खान की तरह वो लिखा था, कहते ना कंजरा हाथ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਣ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਮਿਲਣ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਆਮ ਖਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਦੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ 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 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਤਾ ਮੁਬੀਨ ਮਲਿਕ ਕੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਅੰਜੁਮਨ ਕੇ ਖਾਮਨ ਮੁਬੀਨ ਮਲਿਕ ਕੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਆ ਗਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਕੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਣਬਨ ਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਖਰਚਾ ਮੰਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੋ ਯੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਜੋ ਵੋ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਅਬ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਚਲਤੇ ਰਹੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਇਨਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਮੇਂ ਕੌਨ ਸਾ ਕਲੱਬ ਥਾ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪਰ ਯੇ ਇਸਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਸਲ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਰ ਯੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ तो मैंने कहा मैं इसका पहले बैकग्राउंड बता दूँ ये भी बदकरदार थी हाँ ये सोचने वाली बात थी अंदर किस तरह बढ़ गई पीएम हाउस में जबकि वो तो कहता तो मैं लोहे दा की इमरान मुनीर सब कहते लोहे दा कच्चा पाया तो मैं कहता लोहे की जैकेट पहनी है धोनी तक होती है वो तो नीचे नीचे वाला काम ठीक होता है तो वो खान साहब ने तो लोहे का कच्चा पहना हुआ था ये कितने चली गई होते ये वाले चेक करे कौन कौन वहाँ पे था खान साहब ने किस किस कबाश के वो तो ले ही आया था कि पीरनी के चक्कर में किस किस कबाश के लोग रखे हुए थे मैं फिर ज़्यादा लोग नाराज़ भी तो हो जाते कि यार तू अपने ही ढेड नंगा करना शुरू करता अगर आपको पसंद आया तो फीडबैक का मुंतजर पाकिस्तान जिंदाबाद।